किसान भाई और सभी दर्शकों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्वार की कटाई के बारे में। जैसा कि आपको मेरे पीछे ग्वार की फसल आपको दिख रही है, तो आज इसी की कटाई हम करवा रहे हैं। तो मैं आपको ग्वार की कटाई कैसे करते हैं, मैन्युअली भी हम कर सकते हैं, मशीनों से भी हम कर सकते हैं, दोनों तरह के तरीके मैं आपको दिखाऊँगा। और दोनों तरह के तरीके में हम कंपेरिजन भी हम करेंगे कि किस तरीके से करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, किस तरीके से करेंगे तो हमारी जो है थोड़े बहुत पैसे बच सकेंगे। तो आज जो है इन सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ग्वार की कटाई कैसे करते हैं, किन किन मशीनों से ग्वार की कटाई कर सकते हैं, और लगभग प्रति हेक्टेयर ग्वार की कटाई करने में कितने पैसे हमारे लगेंगे, और हम दोनों या दो या तीन जो विधियां हैं कटाई की, अगर उनको कंपेयर करें तो कौन सी विधि हमारे लिए लाभदायक रहेगी और कितने एरिया के लिए वो सूटेबल रहेगी, इन सब बातों के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ग्वार की कटाई जो हम रीपर से करवा रहे हैं वो वीडियो आपको दिखा देता हूँ कि रीपर से ग्वार की कटाई कैसे होती है, उसके बाद में इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ग्वार काटने की मशीन है जिसे हम रीपर कहते हैं, और स्टार्ट कर लिया है। इसको चलाने के लिए लगभग दो आदमी की आवश्यकता होती है। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ श्री कर्ण नरेंद्र कृषि एवं व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय जोबनेर के अंदर जो इसका जो फार्म है कॉलेज का, उसमें जो ग्वार की कटाई है वो हम रीपर से करवा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो हम आदमियों से या औरतों से, इट मीन्स जो मैन्युअली हम कटाई करवाते हैं, एक हम रीपर से कटाई करवाते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कि इसमें कितना फ़ायदा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा, ये जो रीपर है इसकी अगर हम प्राइस की बात करें, लगभग 4.25 लाख रुपए का ये नया रीपर आता है, और अगर प्रति दिन की बात करें कि ये लगभग कितना ग्वार काटता है, तो ये लगभग 10 बीघा या 2.5 हेक्टर, 2.5 हेक्टर प्रति डे ये ग्वार काट देता है। और 10 बीघा जो ग्वार है अगर हम आदमियों से कटवाएँ तो लगभग ये मान लीजिए आप 10 मज़दूर प्रति बीघा हमें चाहिए, 40 मजदूर हमसे हम कटवा सकते हैं। इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो लगभग 2.5 हेक्टेयर या 10 बीघा जो एक दिन में काटता है उसकी कॉस्ट है 7,000 रुपये। अगर हम मजदूरों से यही चीज़ करवाते हैं, मजदूरों से कटवाते हैं, तो लगभग हमारे 40 मजदूर लगेंगे 2.5 हेक्टेयर या 10 बीघा में, 10 मजदूर प्रति बीघा के हिसाब से, तो लगभग हमारी जो अगर 300 रुपये हम प्रति मजदूर भी हम मानते हैं तो लगभग हमारे 12,000 रुपये हमारे खर्च होंगे। और इसके केस की हम बात करें तो लगभग हमारे 7 से 8,000 रुपये खर्च होंगे। तो हमें जो किसान भाई है तो प्रति हेक्टेयर जो है उनके 4 से 5,000 रुपये सेव हो सकते हैं। तो मेरी किसान भाइयों से ये सलाह है कि आप लोग अगर ग्वार जो है बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में है तो आप लोग इस रीपर से ग्वार कटवाए और आदमियों के बजाय, तो जिससे आपके कम समय में ग्वार भी कट जाए और आपको जो जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन जिसे कहते हैं लागत, वो भी कम आए। साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसा हम देख रहे थे ग्वार कटने के बाद में इस मशीन से, इस रीपर से उसके पुले भी ऑटोमेटिकली बंद रहे थे। इट मीन्स जैसे जैसे ये रीपर चलेगा उसके पीछे पीछे एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरे पुले भी बनते रहेंगे, तो बाद में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। पुले को उठाओ, इकट्ठा करो और हम डायरेक्ट थ्रेसिंग
करवा सकते हैं। अगर हम जैसे आदमी से कटवाते हैं तो पुले बांधने के लिए भी अलग से हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है, या फिर हमें अलग से जो धागा है उसका खर्चा हमें उठाना पड़ता है। तो कई सारी चीज़ें हैं। तो रीपर में हम करेंगे तो हमें पुले जो बांधने की वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसमें पुले भी बन जाते हैं। साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो किसान भाई जो गंवार उगाते हैं उनको पता है कि अगर जैसे गंवार की फसल है, अगर हम मैन्युअली कटवा रहे हैं, आदमियों से कटवा रहे हैं, तो इसके अंदर जैसे हम काटेंगे तो खुजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे हम अंदर जाएंगे और अगर मैन्युअली हम काटेंगे तो ये समझ लीजिए जो कोई भी लेबर आपके गंवार काटने के लिए तैयार नहीं होती है ईजिली, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक तरह से ईचिंग इंफ्लामेशन टाइप एक खुजली टाइप की एक जैसे ही जाएंगे अंदर खुजली सी होने लगती है। तो किस जो भी जो लेबर है वो इसको जल्दी से वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं गंवार काटने के लिए, वो और काम कर लेंगे, गंवार काटने के लिए मना कर देंगे। इसलिए ये रीपर एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है आपके गंवार काटने के लिए या कटवाने के लिए। तो मैं तो सभी किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि आप मैन्युअली ना कटवाकर आप रीपर से गंवार कटवाइए, जिसका आपका फ़ायदा भी होगा और कम समय में आप ज़्यादा गंवार कटवा सकेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो सिर्फ हम इसीलिए हमने बनाया था कि गंवार जो कटवा जो गंवार की जो कटाई है हम रीपर और आदमियों या किसी और दूसरे जैसे कंबाइनर है, लेकिन कंबाइनर में देखो एक प्रॉब्लम ये आती है कि कंबाइनर में इसकी जो पौड़ की जो मेच्योरिटी है वो एक तो एक सिंक्रोनाइजेशन जिसे बोलते हैं, एक सिंक्रोनाइज मेच्योरिटी जिसे कहते हैं, एक साथ नहीं पकती है, कुछ फलियां हरी रहती है कुछ उसमें। और रीपर के अंदर एक चीज़ ये आती है कि उसके जो थ्रेसिंग करते हैं तो उस टाइम पे भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि कुछ सीड्स हरा रहेगा तो उसकी थ्रेसिंग करते ही वो फिर उस बाद में उसमें रोटिंग हो जाएगी और एक तरह से सड़ जाएगा सीड। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम काटने के बाद भी हम सुखाते हैं, जब हम काटने के बाद सुखा रहे हैं जब थ्रेसिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है और बिल्कुल जो सीड निकलता है बिल्कुल ड्राई निकलता है। आप निकालते हैं, आप सेलिंग के लिए उसे मार्केट में बेच सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो जो गंवार की जो रीपर की जो कटाई रीपर से कटाई चल रही थी वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप इस तरह के जो वीडियो अगर और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी भेजें, ताकि उन लोगों को पता लगे कि कितनी प्रति हेक्टेयर कितनी कॉस्ट आती है गंवार कटवाने में और कैसे हम कटवा सकते हैं, ताकि फार्मर जो है हमारे किसान भाई है उनको मदद मिल सके। मैं एक बार पुनः आपको उसकी जो कटाई चल रही है पुनः आपको एक बार और अच्छे से दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।